उधर बरनाला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर दे विच 24 ठेका मुलाजमान की थां नवे मुलाजमान की गई तैनाती का विरोध शुरू हो गया। इस तैनाती का 8 दिनों तो मुलाजमान के वलों लगातार विरोध किया जा रहा है। सुनवाई होने कारण अज डीसी दफ्तर मुलाजमान ने कालिया टंडियां लैके शहर के सरकार के खिलाफ रोस मार्च भी कढ़िया। अपना रोस जाहिर करदे मुलाजमान ने कहा है कि 12 वरिया तो 24 मुलाजम आउटसोर्स से काम कर रहे हैं, पर सरकार ने उन्होंने रेगूलर करने की थान उन्होंने बेरोजगार कर दिता है। जिले ही मुलाजमान डीसी सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। इस मौके मुलाजमान ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले आजादी दिहाड़े के जश्न ना मनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने साड़ी बेनती मंजूर नहीं किया तो 4 अगस्त तो असं लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इस धरने दौरान ना ही तो साढ़े कोई सरकारी नुमाइंदा आया भी तोड़िया मंगा की ने जां डीसी दफ्तर बंद है, तो ना ही खुद डीसी साहब ने आके सानू पूछा भी एक बार उन्होंने पूछना बनता सीगा क्योंकि असं उन्होंने दफ्तर के मुलाजम हाँ। एक जिला प्रशासन वालों एक लैटर SS बोर्ड में लिखा गया भी जेड़ा 24 बंदे इतने होर भेजे जाए जिदे विच तरन तारण जिला मोहाली ते रोपड़ हैं। दफ्तर डिप्टी कमिश्नर बरनाला जिदे वालों लैटर जारी कर दिता गया भी इहदे विच 24 कर्मचारी होर भेजे जाण। इत्थे मैं दसणा ये भी चाहुंदा जिहड़े कर्मचारी 24 साडे कम करदे ने ये रेगूलर पोस्टां दे अगेंस्ट ही कम करदे हन, जिवें कि तरन तारण मोहाली ते रोपड़ कम करदे हन। सरकार नूं फैसला देना सीगा वो जल्दी तो जल्दी कमेटी जिहड़ा अपना फैसला दे जो भी कच्चे कामियां दी पॉलिसी बनाई गई है उहदे ते कारवाई करदी होवे। उन्हां सारे कर्मचारियों नूं पक्का करन दी असीं भगवंत मान सरकार कोलों मंग करदे हां ते अपील करदे हां।